वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। सारे एग्जाम्स की तैयारी आने वाले टाइम पर मैं आपको वहीं कराऊँगी। हेलो ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैरामेडिकल क्या होता है, पैरामेडिकल के अंदर कितने कोर्सेज आते हैं, आप लोगों की सैलरी क्या रहने वाली है और इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कितना आपको मतलब 12th पास आउट होना चाहिए, 10th होना चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पैरामेडिकल होता क्या है, ठीक है। तो पैरामेडिकल क्या होता है, ये सपोर्ट करता है मेडिकल वर्क को बट डू नॉट रिक्वायर अ फुली क्वालिफाइड डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को छोड़कर जितने भी कोर्सेज आते हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो आपके पैरामेडिकल के अंडर आते हैं, ठीक है। बस डॉक्टर एक डॉक्टर जो होता है वो MBBS मतलब नीट के अंडर आता है और इसको छोड़कर जो कोर्सेज होते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, पैरामेडिकल के। तो यह है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब 10th पास के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, 12th पास आउट होने के बाद आप कौन सा कोर्स करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद पास होने के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। जितने भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स हैं वो आप 10th पास आउट होने के बाद इजीली कर सकते हैं। अगर आप 10th पास आउट हो जाते हैं तो आप किसी भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 12th और अगर आप कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई UG कोर्स करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आता है आपका BSc नर्सिंग या BPharm, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपको 12th पास आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पैरामेडिकल के अंदर 4 टाइप के कोर्सेज आते हैं। सबसे पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, UG कोर्सेज और PG कोर्सेज। सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा में आपको डिप्लोमा मिलता है जो 2 या 3 साल का होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको डिग्री मिलती है और PG कोर्स आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, PCB अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हो, PCM अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करना चाहते हो। ग्रेजुएशन आप तब कर सकते हो जैसे कि आपने जब UG कर लिया तो UG के बाद आप PG करना चाहते हो, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो जैसे BSc नर्सिंग के बाद MSc नर्सिंग, BTech के बाद MTech, BPharm के बाद MPharm। तो आई होप आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज, कितने टाइप के कोर्सेज हमारे पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। सबसे पहला आता है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स जो आप आफ्टर टेंथ कर सकते हो, UG कोर्स आफ्टर 12th, PG कोर्स आफ्टर UG कोर्सेज। तो ये 4 टाइप के कोर्सेज हैं जो कि आपके पैरामेडिकल के अंडर आते हैं, ओके, आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से होते हैं जो आप 10th पास आउट होने के बाद ईजिली कर सकते हो। डिप्लोमा इन ओटी में कर सकते हो, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, GNM, ANM, डेंटल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डायलिसिस, एक्सरे, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, ये सब आप कोर्स 10th पास आउट होने के बाद इजीली क्या कर सकते हो इनमें से कोई सा भी कोर्स, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा मतलब कौन कौन से यूजी कोर्स हैं जो आप कर सकते हो आफ्टर 12th। बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc नर्सिंग, BSc इन डायलिसिस थेरेपी, मीडिया लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, एक्सरे और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्स आप क्या कर सकते हो आफ्टर 12th पास आउट होने के बाद आप कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपके ये ठीक है। तो आप 12th पास आउट करने के बाद आप ये सारे कोर्स कर सकते हो। देन उसके बाद ये होते हैं लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सारे सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ये 1 या 2 साल के आपके होंगे, ठीक है। और इसमें आप क्या क्या इसके अंडर क्या क्या कोर्सेज आते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG एंड CT स्कैन टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग केयर असिस्टेंट हो गया, डेंटल असिस्टेंट हो गया, HIV एंड फैमिली एजुकेशन, रूरल हेल्थ केयर, डायलिसिस टेक्नीशियन एंड सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। ये सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं ये भी आप 10th पास आउट करने के बाद कर सकते हो और 1 या 2 साल के ही आपके क्या होते हैं या फिर कुछ मंथ्स के भी होते हैं, ओके। अब ये है आपके लिस्ट ऑफ PG कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो आप UG कोर्सेज के बाद कर सकते हो, ठीक है। मास्टर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, अगर आपने रेडिएशन पे UG कर दिया है तो उसके बाद आप PG के लिए इसमें जा सकते हो। लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, मास्टर ऑफ पैथोलॉजी, PG डिप्लोमा इन मैटरनल एंड चाइल्ड है तो क्या, और जेरियाट्रिक मेडिसिन हो गया, ठीक है। ये सारे आप पढ़ के मतलब इनको UG करने के बाद आप इनमें क्या कर सकते हो, अपनी डिग्री को और बढ़ा सकते हो, मतलब जैसे फॉर
एग्जांपल बीएससी के बाद एमएससी, बीटेक के बाद एमटेक, बीफार्मा के बाद एमफार्मा, ठीक है, और बीबीए के बाद एमबीए, तो ये सब इसके क्या हो गए, एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। तो ऑल ओवर बेस्ट मतलब इंडिया में कौन कौन से अच्छे मेडिकल मतलब कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये कर सकते हो, तो उसके कुछ नाम मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एम्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद है हमारा आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, GIPMER जिपमर, अपोलो रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सारे आपके जो क्या हैं बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन सब कोर्सों को कर सकते हो। मतलब यहाँ से आपको अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपके स्किल्स और नॉलेज काफ़ी अच्छी डेवलप होगी अगर आप इन कॉलेजेस से करते हो तो। ओके, अब आता है आपका जॉब प्रोफाइल, जो आपके जॉब आपके डिपेंड करते हैं कोर्स पे। आपने डिप्लोमा कोर्स कराया तो आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी रिलेटेड टू यूजी कोर्स, फिर अगर आपने पीजी कोर्स कराया तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी यूजी कोर्स से भी, है ना। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है आपकी जॉब प्रोफाइल। सैलरी होगी इसकी 15K से स्टार्ट और 15 या 25K से आपकी इसकी सैलरी क्या होगी स्टार्ट होगी, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी लैक्स तक भी पहुंच सकती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये स्टार्टिंग सैलरी है, अगर आप एक्सपीरियंस होते जाओगे और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपका कलेक्ट होते जाएगा तो आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको सारा समझ आ गया होगा पैरामेडिकल क्या है, इसके अंदर कितने कोर्सेज आते हैं, कितनी सैलरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा, इसमें इस चैनल पर आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा अपना एंड लव यू ऑल।